Assalamualaikum viewers, welcome back to my YouTube channel. उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड वी आर ऑल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह पाक हम सबको परेशानियों और बीमारियों से महफूज रखे, आमीन सुमा आमीन. तो इन्हीं दुआओं के साथ आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट. आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ मैंने शेयर करनी है अपनी डेली रूटीन और अपने कुछ फैमिली मोमेंट्स को आपके साथ शेयर करना है. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम व्लॉग को करते हैं भाई स्टार्ट. सबसे पहला काम हमारा डेली का होता है भाई अनबॉक्सिंग करना. तो कल रात को मेरे पास ये पार्सल आया था और ये मैंने जो है वो खैस पाए एन के यानी ये जो निशु खान है, आपने उनका यूट्यूब जो है वो चैनल भी देखा होगा. तो उन्होंने अपना ये एक ब्रांड लॉन्च किया था, तो उनके इंस्टाग्राम लिंक से मैंने जो है वो ये ऑर्डर किया था. ये मैंने उनकी लिपस्टिक्स थी जो ऑर्डर की थी और ये मुझे साथ एक मैग्नेटिक बॉक्स रिसीव हुआ था 6 लिपस्टिक के साथ. इनका रिव्यू मैं आपको इन लिपस्टिक्स को यूज़ करने के बाद दूंगी. तो ये बहुत ही अच्छी का टाइम से मैं जो है वो देख रही थी इसके रिव्यूज़, तो मैंने सोचा इसका भी ऑर्डर प्लेस करती हूँ. तो उसके बाद ये जनाब दोपहर के खाने का टाइम हो गया था और आज जो है वो बन रहे थे राइस. ये मैं आप लोग को जो है वो इनकी मेकिंग भी दिखा रही थी और मैं आपको दिखा रही थी कि किस तरह से मैं इनको बनाती हूँ. तो यहाँ पे जनाब ये बिल्कुल रेडी हो रहे थे और इनको दम लगाने का टाइम था यहाँ पे, जो मैंने इनको कवर किया और मैंने 15 मिनट्स के लिए इनको कवर कर दिया था और ये जी बिल्कुल हो गए थे रेडी. साथ साथ जो है वो मैं सैलेड और दूसरा रायता वगैरह भी रेडी कर रही थी क्योंकि उनके बगैर तो भैया राइस जो है वो अलग से नीचे नहीं उतरते. तो खैर ये आप लोग देख सकते हैं पूरा प्लेटर रेडी करने के बाद मैं ले आई थी रूम में और यहाँ पे जी मैं आप लोगों को भी दिखा भी रही हूँ कि मैं किस तरह से आज जो है वो इसको सर्व कर रही थी. तो ये आप लोग देख सकते हैं इसकी फायर लुक. हानी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, हानी को काफ़ी टाइम से भूख लगी हुई थी. तो बस जो है वो मैंने जल्दी से कैमरा बंद किया और हानी को खिलाना शुरू किया कि इससे पहले यहाँ पर कुछ डिज़ास्टर हो जाए और सारी प्लेट्स जो है वो ख़राब हो जाएँ. तो मैं हानी को पहले से जो है वो खिला देती हूँ. उसके बाद हानी को रेडी किया और आज हम लोग जा रहे थे, थोड़ा सा आउटिंग का प्लान था हमारा और भाई आज से जो है वो हमारी आउटिंग स्टार्ट होती है और अब आप लोगों को व्लॉग इसी तरह के देखने को मिलेंगे. तो ये आप लोग देख सकते हैं सब लोग हम रेडी हो चुके थे, घर से बाहर निकले और आज हम जा रहे थे भाई हानी को लेके पार्क में ताकि थोड़ा सा जो है वो हानी प्ले कर ले और हमारा भी जो है वो रिफ़्रेशमेंट हो जाए थोड़ी सी. तो बस ये मैंने आपको रास्ते के भी आज एक क्लिप्स दिखाए हैं, तो ये आप लोग जो है वो हमारे साथ इंजॉय करते चलें. आजकल लोग बहुत ही ज़्यादा हसद के मारे हुए लोग हैं, किसी को भी देख के कोई इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता. अब हमारी सोसाइटी के अंदर लोगों में जलन और हसद बहुत हद तक बढ़ चुकी है. हम किसी की भी खुशियाँ देख के बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम हर चीज़ को अपने साथ कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं कि वो इंसान इतना खुश है तो वो इस तरह क्यों है, उसके पास ये सब कुछ है तो हमारे पास ये सब कुछ क्यों नहीं है, अगर वो इस तरह से रह रहा है तो हम इस तरह से क्यों नहीं रह रहे. लेकिन हम अपनी कमियों और अपनी खामियों पे फोकस नहीं करते, हम अपनी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश नहीं करते और हम फौरन से दूसरों की लाइफ को अपनी लाइफ के साथ कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई वो सब कुछ इंजॉय कर रहे हैं, उन सब उनके पास सब कुछ है और हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है. तो आपको क्या पता कि उन लोगों ने उस चीज़ को पाने के लिए या उस जगह तक, उस स्टेज तक, उस स्टेटस को अचीव करने के लिए क्या कुछ सेक्रीफाइस किया होता है, उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स होती है जिनको उन्होंने फेस किया होता है. तो हमेशा अपने आप का मुवाजना दूसरों से मत किया करें, अपने हाल में खुश रहा करें, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि जिस हाल में अल्लाह की ज़ात आपको रखती है आप उसका शुक्र अदा करें और उससे ही दुआ किया करें कि अल्लाह पाक आपकी भी परेशानियों को दूर फरमाए और आपको भी दुनिया की हर वो चीज़ अता करें जिसके लिए आप सब लोग मेहनत करें. अगर आप लोग अपनी लाइफ में स्ट्रगल करेंगे तो आप लोग हर चीज़ अचीव कर सकते हैं जो भी आप लोग अचीव करना चाहते हैं. लेकिन अगर आप ये कहें कि हम घर बैठे अपने ख्वाबों ख्यालों में सोचते रहें कि हम ऐसा करेंगे वैसा करें तो वो सब कुछ आपको मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता. हमेशा हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कुछ ना कुछ स्ट्रगल करनी पड़ती है, तभी आप जो है वो अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव कर सकते हैं. आप लोग फारिग बैठ के अपने ख्वाब कभी भी पूरे नहीं कर सकते. तो खैर इन सीरियस बातों को करते हुए एक साइड पे ये आप लोग देख सकते हैं पार्क हम लोग आ चुके थे और यहाँ पे हानी जो है वो फुल टाइम भाई इंजॉय कर रही थी. हानी को लेके आने का पर्पज़ यही था कि थोड़ी सी उसकी आउटिंग हो जाए, घर से माहौल से थोड़ा सा बच्चा जो है वो रिफ्रेशमेंट फील करता है, बाहर आता है, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट माहौल, डिफरेंट लोगों से मिलता है, उसका इंटरेक्शन दूसरे लोगों से होता है, उसके अंदर जो है वो दूसरी चीज़ें, दूसरी स्किल्स जो है वो बहुत अच्छी तरह से डेवलप होती हैं. तो बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ में बिज़ी करना चाहिए और साथ साथ मैं भी हानी के इंजॉय कर रही थी. तो यहाँ पर आप लोग अभी देख भी सकते हैं ये टाइम, ये मोमेंट जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा खास होते हैं. अगर आपका बच्चा टोडलर एज में है ना तो आप हर डे को उसके साथ एंजॉय किया करें क्योंकि कल अगले वाले आने वाले साल में वो ना दिन होगा आपके पास और ना ही आपका बच्चा उस एज में होगा. अगर आपका बच्चा अभी इस तरह से है तो आने वाले साल में वो माशाल्लाह माशाल्लाह इससे ज़्यादा ही ग्रो करेगा, तो आप इस टाइम को कभी भी वापस नहीं लेके आ सकेंगे. तो जिस भी वक्त के साथ आप लोग चल रहे होते हैं ना हमेशा उसकी रफ्तार के साथ चला करें और हमेशा उस वक्त को इंजॉय किया करें अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए. टेंशन्स और परेशानियां हर इंसान की लाइफ में होती हैं, कोई भी इंसान टेंशन फ्री या स्ट्रेस फ्री नहीं होता. लेकिन अच्छा और एक हेल्दी इंसान वही होता है जो अपनी प्रॉब्लम से अच्छी तरह से डील करता है, जो अपने स्ट्रेस लेवल को अपने माइंड और अपने रिफ्रेशमेंट के आगे नहीं आने देता और अपनी लाइफ पे हमेशा जो है वो एक बैलेंस में लेके चलता है.
तो बच्चों के साथ हमेशा खुश रहा करें, जितनी मर्जी आपकी लाइफ में परेशानियां हो लेकिन बच्चों के साथ हमेशा जो है वो हर मोमेंट को एंजॉय किया करें। तो ये आप लोग देख सकते हैं, मैं भी कुछ ऐसा ही कर रही थी। तो खैर जब हम पार्क में एंटर हुए तो भाई मुझे तो देख के पहले एकदम से खौफ ही आने लग गया था कि इस पार्क में हमारे अलावा कोई भी नहीं था, पर जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो लोग आना स्टार्ट हो गए थे, तो हम लोग को कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी घर से, तो हम लोग निकल चुके थे। तो खैर ये आप लोग देख सकते हैं अभी तो कम्प्लीटली पार्क बिल्कुल एम्प्टी था, कोई इंसान यहाँ पर नहीं था। तो भाई हमने भी मोमेंट्स का फ़ायदा उठाया और अच्छी तरह से जो है वो हमने हर चीज़ के झूले वगैरह इन्जॉय किए। और ये मैं आप लोगों को अल्लाह की शान दिखा रही थी, ये फूल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं आपको ये भी दिखा रही थी। उसके बाद यहाँ पर मैं अपनी लक ट्राई कर रही थी और भाई ज़िंदगी में पहली बार मुझे अपनी जो है वो लक इतनी बुरी लगी है, लेकिन खैर ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये तो जैसे एक गेम था। तो खैर उसके बाद आप लोग देख सकते हैं मैं कभी इन चीज़ों से मायूस नहीं होती, हमेशा अल्लाह के ज़ात पे यकीन रखती हूँ और अल्लाह भी भरोसा और यकीन रखने वालों के साथ है। ये आप लोग देख सकते हैं उसके बाद हम लोगों ने जो है वो हानि की ख्वाहिश पर ट्रेन के टिकट्स लिए और हम लोग जो है वो यहाँ पर इंजॉय कर रहे थे। मैं आप लोगों को अभी पूरे पार्क का यहाँ से विजिट भी करवा रही हूँ, तो आप लोग को भी अपने साथ साथ लेके चलती हूँ ताकि आप लोग भी मेरे साथ जो है वो इन चीज़ों को देखें और जो है वो आप लोग भी इन सब चीज़ों को इन्जॉय करें, ये आप लोग अभी देख भी सकते हैं। तो खैर यही था आज का व्लॉग, होप सो आपने इंजॉय किया होगा और आपको मेरी बातें और मेरे व्लॉग्स अच्छे लगे होंगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें और फिर व्लॉग्स को इंजॉय किया करें। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनसे स्पेशल टाइप ऑफ रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें और फिर व्लॉग्स को इंजॉय करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन इस चैनल से रिलेटेड आप तक पहुँचती रहें। और यहाँ पर आप लोग हानि को देख सकते हैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो यही था आज का व्लॉग, मेरी बातों पर ज़रूर ध्यान दिया करें, उन पर अमल करने की कोशिश किया करें, आपकी लाइफ में आने वाली बहुत सी प्रॉब्लम्स को ये जो सॉल्व कर सकती हैं, खुद से अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट ना किया करें बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। तो ये था आज का व्लॉग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर बींग अ पार्ट ऑफ दिस व्लॉगिंग जर्नी। अल्लाह हाफिज, दैट्स इट फॉर टुडे।